तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना अपवर्क प्रोफाइल कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने आईडी के थ्रू। और ये प्रोफाइल को वेरीफाई करना अपवर्क ने मैंडेटरी कर दिया है, बिकॉज अगर आपका प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा तो आप न तो आप प्रपोजल सेंड कर पाएंगे, न ही आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो ये प्रोफाइल वेरीफिकेशन मैंडेटरी है। प्लस प्रोफाइल वेरिफिकेशन होने के बाद आपके प्रोफाइल पे एक ब्लू टिक आ जाएगा वेरिफिकेशन का, तो आप मेरे ये प्रोफाइल पे देख सकते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुका है और आप ये ब्लू टिक देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके प्रोफाइल का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो और प्लस इसको वेरीफाई करने में विद इन 10 मिनट के अंदर आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाता है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे वेरीफाई करना है, एक क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेगा और कितना टाइम लगेगा, प्लस आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, आपको फुल वैल्यू मिलने वाली है और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको मेरा प्रोफाइल तो दिखा दिया कि मेरा प्रोफाइल वेरीफाई हो चुका है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे वेरीफाई करें, कहाँ लिंक होता है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ही मेरा प्रोफाइल देखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर ये वाला वीडियो देख लेना। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप अपवर्क पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स आपको ज़रूरी करनी है, प्लस आपको पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जब सारा प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको आपका प्रोफाइल वेरीफाई करना है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ स्टेप्स कि आपके क्या क्या सीन हो सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल पे वेरीफिकेशन का बटन नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, दिख रहा है तो कैसे वेरीफाई करना है, तो सारे केसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहला केस तो ये है कि जब भी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल के यहाँ पर जाना है अकाउंट सेटिंग्स के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेनू में देख सकते हैं लास्ट में ये आप प्रोफाइल वेरिफिकेशन का टैब दिख रहा होगा। तो जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा तो जैसे ऑलरेडी वेरीफाई है, तो यहाँ पे सारा राइट आ गया। अगर आपका प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एक बटन आएगा गेट स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको आपसे आपका आईडी कार्ड मांगा जाएगा, फिर आपका वो सेल्फी क्लिक करेगा और उसके बाद वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। तो वो प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला केस तो ये है कि आपके प्रोफाइल पे ये वेरिफिकेशन का बटन दिख जाएगा। अगर लेकिन मैंने देखा है अभी अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम प्रोफाइल में ये वाला प्रोफाइल वेरिफिकेशन का बटन नहीं दिखता है। इसके अलावा आप क्या करना, एक बार आपने जिस भी ईमेल आईडी से प्रोफाइल क्रिएट किया है तो उसको आपका एक बार जाके ईमेल चेक करना। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये ईमेल आया था, तो आप मेरा ईमेल देख सकते हैं, इसमें मुझसे प्रोफाइल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोला था। तो आप देख लेना, अगर आपको नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आया है तो आप जस्ट इस बटन पर क्लिक करना और आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था दूसरा केस। थर्ड केस में क्या होता है कि आपको कोई वेरिफिकेशन लिंक का ऑप्शन आपके प्रोफाइल पे दिखता नहीं है जब आप नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये प्रोफाइल जब दिखता है, जब आप कोई भी प्रपोजल सेंड करेंगे तो उस टाइम आपको ये प्रोफाइल अपीयर होगा, तब ये आपके प्रोफाइल पे एक्टिवेट इनेबल करता है अपवर्क बहुत सारे प्रोफाइल में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड प्रपोजल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेंड प्रपोजल पे जाएंगे, इसको प्रपोजल सेंड करने लगेंगे तो आपको ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इसने ऐसे ही पूछा था, जब मैंने पहले आईडी वेरीफाई नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैं प्रपोजल सेंड करने लगा तो इसने मुझे ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन का मुझे ऑप्शन आया। तो उसके बाद मैंने सारा प्रोफाइल वेरीफाई किया। तो मैं सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आपका गवर्नमेंट का एक आईडी प्रूफ रेडी रखना है और प्लस या इसका जो वेरिफिकेशन होता है ये फ़ोन में करेगा। एक्चुअली अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रोफाइल क्रिएट किया तो उसका वेरिफिकेशन वो उसमें नहीं करेगा। अपना प्रोसेस एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्लिक करना है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने स्टेप दिया हुआ है, सबसे पहले आपको आपका जो आईडी कार्ड है तो वो कंट्री के हिसाब से जो भी आईडी कार्ड होगा वो आपको पूछेगा। सेकंड, आपको जो कैमरे पे उसको दिखाना पड़ेगा, कैमरा ऑन होगा तो आपको आईडी शो करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो इंस्टेंटली वेरीफाई नहीं होगा इसका, जो भी जितना टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं कितना टाइम लगता है तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने अपनी आईडी मेरे पास अपने पास
ले आया हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अभी। तो मुझे क्लिक करना है स्टार्ट नाउ। तो इसको वेरीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो हाउ टू चूज कंटिन्यू ऑन अ मोबाइल डिवाइस। तो ये मोबाइल डिवाइस मांग रहा है, तो ऑप्शन वन है कि आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। दूसरा तरीका है सेंड टेक्स्ट मैसेज। तो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ अपने मोबाइल के थ्रू। तो मैंने इसका जो क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है, उसके बाद मैंने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर किया, अपने फ़ोन में लॉगिन किया। इसके बाद इसने मुझसे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया है और मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके अलावा जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपको आईडी कार्ड चूज़ करने को बोलेगा। तो ये जो 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 आईडी कार्ड चूज़ करने को बोलता है वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीज़ा, पीआर कार्ड और आईडी कार्ड में से कोई सा भी आप आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना आईडी कार्ड चूज़ कर देंगे तो फिर आपका ये कैमरा ऑन होगा आपके फ़ोन का, और आपको जो आपका आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा जो भी आपने चूज़ किया है, तो उसको रेडी रखना। तो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा वी हैव स्टार्टेड मैनुअल रिव्यू। तो ये रिव्यू करेगा, और उसको रिव्यू करने में इसने बोला है 3 to 5 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, एंड इसके बाद अपने को इसका ईमेल आ जाएगा कि आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जाए आप सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आइडेंटिटी वेरीफिकेशन। तो यहाँ पे इसने मैनुअल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मैंने आईडी कार्ड दिखा दिया है, अपीयर ऑन कैमरा। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा जो ये आईडी वेरीफाइड हो चुकी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगा, मतलब 30 मिनट के अंदर मेरा आईडी वेरीफाई हो चुका है, प्लस मुझे वेरीफाई का बैज भी मिल चुका है। तो अभी मेरा प्रोफाइल बेटर हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ग्रीन मार्क्स आ गया है। इसके अलावा अगर मैं मेरे प्रोफाइल पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वेरीफाइड बैज मुझे मिल चुका है, मेरा आईडी वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपका इस वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर होंगे हो गए होंगे, और ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे दूसरे सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।